नमस्कार, आज फिर से हम लौटे हैं एमपी की 20 बड़ी खबरों के साथ। एमपी के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र, हर साल 10 लाख रोजगार, लड़कियों को स्कूटी का वादा। एमपी विधानसभा चुनाव में होगी योगी आदित्यनाथ की एंट्री, करेंगे सभाएं। कांग्रेस के बाद बीजेपी को भी याद आई गाय घोषणा पत्र में गौशाला के लिए किया गया वादा। मोदी बोले, कांग्रेस की चार पीढ़ियों और चाय वाले ने देश को क्या दिया, हो जाए मुकाबला। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विज्ञापन से कांग्रेस को आया गुस्सा, चुनाव आयोग में की शिकायत। एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के ट्राई जंक्शन पर नक्सली ट्रेनिंग कैंप, अब भ्रष्टाचार पर बोलते नहीं है मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक जारी, ये चीज कही राहुल गांधी ने। मोदी बोले, कांग्रेस की चार पीढ़ियों और चाय वाले ने देश को क्या दिया है और इस चीज पे वो बहस करने को है तैयार। मध्य प्रदेश खंडवा में कांग्रेस की स्थिति, चिंता नहीं, न घर है और न ठिकाना। भास्कर शिवराज ने कहा, नोटबंदी से देश को नई ऊंचाई मिलेगी। कमलनाथ बोले, नोटबंदी फेल। अमित शाह आज भोपाल में, सुरक्षा कारणों से रद्द हुआ रोड शो। एमपी में गाय को पूछते हैं और केरल में सड़क पर बछड़े को काटते हैं, कांग्रेस पर मोदी का वार। दिग्विजय का मोदी पर पलटवार और कहा, छिंदवाड़ा जितना विकास गुजरात में करके दिखाएगा। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में पहुंचे पीएम मोदी और कर रहे हैं चुनावी जनसभा। पति के साथ चुनाव प्रचार करने उतरी दिग्विजय सिंह की बहू। गुंडों को टिकट बयान पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की पीएम मोदी की शिकायत। अपनी ही पार्टी के नेता को भाजपा उम्मीदवार ने धमकाया और कहा, चुनाव ना होते तो दांत तोड़ देता। तो ये थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।